हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, जिसका जिम्मा दिया गया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी को। इस वक्त सुशील गुप्ता जी हमारे साथ है, उनसे पूरी बातचीत करेंगे विस्तार से कि हरियाणा में किस तरह वो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ दिल्ली में प्रदूषण को लेकर क्या उनकी राय है, क्यों दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा का सामना करना पड़ रहा है। सुशील गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। जी नमस्कार। सर, हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है जहां पे पहले ही बीजेपी का कब्जा है और जो क्षेत्रीय दलन का कब्जा है, किस तरह पार्टी को आगे बढ़ाएंगे आप? देखिए, हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता कांग्रेस को पहले रिजेक्ट कर चुकी है और आज की तारीख में तीनों किसान विरोधी काले कानून आने के बाद बीजेपी से लोगों को नफरत हो गई है। पिछले 6 साल के अंदर हरियाणा में एक नया उद्योग नहीं आया। हरियाणा के व्यापारियों ने समय समय पर माइग्रेशन की सोची कि किसी दूसरे राज्य में जाएं, क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी भयंकर रूप से खराब हो चुकी है कि हर रोज कम से कम 4 बलात्कार के केस और 3 लूटपाट के केस FIR के रूप के अंदर दर्ज होते हैं। व्यापारियों को सरेआम गोली मार दी जाती है। आज भी सुबह एक पत्रकार को यमुनानगर के अंदर पिटाई की गई, लूलुहान कर दिया गया है। हर रोज ऐसी ऐसी खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती हैं और रोजगार के बिना नौजवान गुनाह के रास्ते पे चल पड़ा है। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार दिल्ली में विकास किया है, एक अलग से आम आदमी पार्टी के लिए लोगों के मन में हरियाणा में जगह बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार महिलाओं के लिए वाईफाई कैमरे उनकी सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए लगाए, स्कूल और हॉस्पिटल्स को बेहतर स्थिति के अंदर पहुंचाया, युवाओं के लिए रोजगार बाजार का प्रबंध ये जो किया, ऐसे अनेकों कार्य किए हैं जिसको हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा के अंदर भी वो स्वच्छ प्रशासन के साथ वो सारे कार्य हो। आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को 4 जोनों में बांटा है, उत्तर हरियाणा, साउथ हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा और वेस्ट हरियाणा। चारों में हमारा संगठन जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे बन चुका है, बूथ स्तर पे हम लगे हुए हैं। बूथ स्तर तक वो जब संगठन बन जाएगा, और हमने ये भी तय किया है कि हम हरियाणा के सभी चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो नगर पार्षद के हों, चाहे वो सिविक बॉडीज के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, और आगे लोकसभा के सारे चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी और अपने दमखम पे लड़ेगी बिना किसी के। अभी आपने जिक्र किया कि बूथ स्तर पर अभी लोगों का चयन होना बाकी है, जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक कैसे आप चुनाव जीतेंगे? देखिए, हरियाणा में इलेक्शन का भी 4 साल है और हम सारा संगठन को रिओर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता तो है ही, परंतु सारे संगठन को रिओर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले हमने जिला स्तर पे किया है, जोन स्तर पे किया है, विधानसभा स्तर पे किया, उस स्तर पे हमने हर गांव के अंदर ऑक्सीजन जांच केंद्र खोले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी योजना आम आदमी पार्टी लेकर आई है, जिसमें हरियाणा की जिम्मेदारी हमें दी गई है। हर गांव के अंदर इस कोरोना के दौरान ऑक्सीजन जांच केंद्र हम खोल रहे हैं, जो कि हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। हमने किसानों के लिए खट्टर साहब का घेराव किया, कल हमने मूलचंद शर्मा का घेराव किया था। करीब 10,000 हमारे कार्यकर्ता फरीदाबाद के अंदर पहुंचे थे और पूरा, हालांकि उन्होंने किसानों पे लाठीचार्ज किया, कल भी खट्टर सरकार जवाब दे पाने में नाकामयाब रहती है। उन्होंने पूर्वांचली विरोधी चेहरा वहां पे दिखाया। फरीदाबाद में जितने भी पूर्वांचली थे उनके कम से कम 60,000 मकान बिना किसी पूर्व पुनर्वास की व्यवस्था करे हुए तोड़ने का उन्होंने सिस्टम शुरू कर दिया है। 2,500 से ऊपर मकान उसके अंदर तोड़ भी चुके हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जहां पे लोगों के बीच के अंदर कहीं ना कहीं विरोधाभास उभर रहा है कि सरकार तानाशाही कर रही है, अपनी कानून व्यवस्था को संभाल नहीं सकती, इस कोरोना के दौरान रोजगार दे नहीं सकती, भोजन की व्यवस्था लोगों के लिए की नहीं, उल्टी उनकी जिंदगी भर की जो जमा पूंजी थी उनका मकान वो तोड़ने पे शुरुआत कर दी है। सुशील गुप्ता जी, आपने जिक्र किया जिस तरीके से, क्या अरविंद केजरीवाल मॉडल जो है दिल्ली का वही हरियाणा में होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बलात्कार नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है। देखिए, हमने गृह मंत्रालय को बोला था कि अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो कंट्रोल हमें दे दो।
हम जिम्मेदारी लेते हैं कि बड़े दावे के साथ कह सकते हैं दिल्ली के अंदर अपराध बंद कर देंगे। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर रिश्वत लेना बंद कर दिया, जिस प्रकार दिल्ली के अंदर सारे इंडस्ट्रीज को हमने पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया, जिस प्रकार दिल्ली में सारे कमर्शियल वाहन को सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया, आज संसद को भी कहना पड़ा कि दिल्ली के अंदर स्वच्छ वातावरण के दिन बढ़े हैं, परंतु पराली दिल्ली के अंदर नहीं जलती, पड़ोसी राज्यों से उसका जो वहां के किसान भी परेशान होते हैं, धुआं उनके फेफड़ों में सबसे पहले घुसता है और फिर दिल्ली के अंदर धुआं आता है। ऐसे अनेकों कारण हैं जिन कारणों पे पड़ोसी राज्यों को विचार करने की जरूरत है। सुशील गुप्ता जी, क्योंकि आप हरियाणा की आपको जिम्मेदारी दी गई है और पिछले दिनों देखा गया था आप हरियाणा की सड़कों पर थे, किसान जो बिल पास हुआ है उसे बीजेपी कह रही है ये तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है, एक गोल्डन बिल है, इससे किसानों का जो है बहुत फायदा होगा। आप लोग और साथ ही साथ विपक्ष का काम वो कहते हैं विरोध करना है कांग्रेस का, आप लोग भी विरोध कर रहे हैं जबकि बीजेपी प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि ये बहुत अच्छा बिल है। देखिए, प्रधानमंत्री अगर खुद कह चुके हैं कि सबको एमएसपी मिलेगी, मुख्यमंत्री हरियाणा के कह चुके हैं सबको एमएसपी मिलेगी, तो कानून में लिखने में क्या दिक्कत है? लिख दे कि एमएसपी से कम खरीदना अपराध होगा। ये 3 अध्यादेश लेके आए, जल्दबाजी में लाए। अध्यादेश इसलिए लाए जाते हैं कि देश में संसद चल नहीं रही और कहीं इमरजेंसी हो रही है, इसलिए अध्यादेश लाए जाते हैं। कुछ दिन बाद संसद थी, तीनों अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी? तीनों अध्यादेशों के विरुद्ध में लोग सड़कों पे आ गए, आनन फानन में बिल लेकर आए। संसद में कानून है कि एक भी सांसद अगर वोटिंग की डिमांड करता है तो जब तक वोटिंग ना करा जाए बिल नहीं बन सकता, परंतु राज्यसभा के अंदर सरासर सरकार ने उसमें बेईमानी की, बिना वोटिंग के उसको पास किया। 100 के करीब सांसद लगातार विरोध करते रहे, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा से लेके बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा तक परिक्रमा लगाई कि ये क्या देश के न्याय के मंदिर, देश की संसद के अंदर जो सर्वोच्च संस्था है, इसके अंदर ऐसी हेराफेरी क्यों हो रही है, बिना वोटिंग के बिल पास क्यों हो रहा है? और राष्ट्रपति जी से निवेदन किया गया आप इस पर हस्ताक्षर ना करें, राष्ट्रपति जी ने भी आनंद फानंद में हस्ताक्षर कर दिए और इसको बिल की को कानून की शेप दे दी। हम ये कह रहे हैं ये जो कानून बना है, देश में भी 4% फसल को एमएसपी मिलती है, और मैं उत्तरी भारत की बात करता हूँ, विशेषकर पंजाब और हरियाणा की, यूपी के कुछ हिस्से और राजस्थान की, जहां पे 60% फसल का एमएसपी मिलती है। 4% और 60% का आप अंतर लगा सकते हैं कि कैसा अंतर रहता है। अब इस कानून में मंडियों को खत्म करने का रास्ता बना दिया, और मंडियों, क्योंकि यहाँ पे मंडियां हैं, कई दशकों से पीढ़ियों से मंडियां चल रही है, उन मंडियों के माध्यम से एमएसपी मिलती है। आज भी सरकार मंडी से बाहर कोई एमएसपी नहीं देती, सरकार ने कानून बनाया कि प्राइवेट मंडी बनाओ, कहीं से खरीदो, वहां पे एमएसपी नहीं देंगे। सरकार ने कानून बनाया कि गांव के अंदर बड़े बड़े व्यापारी जाएं और खरीदें, एमएसपी नहीं मिलेगी। तो लोगों को ये डर है कि जब गांव में और प्राइवेट मंडियां बना के बड़े बड़े व्यापारी पहुंचेंगे, साल दो साल हो सकता है वो महंगी खरीद लें, तो इतनी देर में जो एस्टेब्लिश मंडी वाले हैं वो भाग जाएंगे और दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर एमएसपी भविष्य में इनको मिल नहीं पाएगी। पहला डर ये है। दूसरा डर ये है कि भंडारण की, अनलिमिटेड भंडारण की इन्होंने छूट कर दी। अनलिमिटेड भंडारण की छूट करने के बाद में आम उपभोक्ता को भी भुगतना पड़ेगा। ये जो अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपति लोग हैं, अपने गोडाउन के अंदर अनाज को भरेंगे, अपने गोडाउन के अंदर सब्जियों को भरेंगे, अपने गोडाउन के अंदर दाल चावल को भरेंगे, और जब देश के अंदर फसल कट के इनके गोडाउन में जा चुकी होगी फिर इनकी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। आम उपभोक्ता के ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ने वाला है। जो FCI के माध्यम से अभी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था वो क्लैप्स हो जाएगा। और तीसरा डर किसानों के मन में ये है कि जो कोऑपरेटिव खेती की बात की है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्होंने किसान का कोर्ट में जाने पे सीधा पाबंदी लगा दी। पहले वो SDM के कोर्ट में जाएगा, फिर DC के यहाँ जाएगा। ये जो सरकारें हैं, जब ये अडानी और अंबानी के साथ उनके विरोध में कोई कार्रवाई नहीं करती तो ये अफसर तो बहुत छोटी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इन इनसे किसानों को इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था के पास सीधा किसानों को जाने के लिए हक होना चाहिए था। और इसी लड़ाई को लेकर किसान भी सड़क पर, हम भी सड़क पे हैं।
किसान को भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना मूर्ख ना समझे, इस देश के व्यापारी प्रधानमंत्री नहीं रहे मगर किसान प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। चौधरी चरण सिंह पहुंचे, चौधरी देवीलाल जी प्रधानमंत्री रहे, देवगौड़ा जी रहे। आज किसान किसी के बहकाने से सड़क पे नहीं आता। किसान अपना भविष्य जो देख रहा है कि बीजेपी सरकार ने किस प्रकार उनके उनकी खेती को कॉर्पोरेट बड़े बिजनेस घरानों को बेच दिया है, वो गुप्ता जी आपने जो बात कही कि किसान मूर्ख नहीं बनने वाला है, लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि किसान को आप लोग गुमराह कर रहे हैं। नहीं नहीं, बीजेपी सत्ता में है, हरियाणा में बीजेपी सरकार के अंदर है, केंद्र में सरकार के अंदर है, हमारी गुमराह करने की ताकत क्या है? और किसी के व्यक्ति के करने से गुमराह नहीं होता। आज किसान पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये जो कानून है उनका कूट का रास्ता क्यों बंद किया? मैं सीधा सा पूछना चाह रहा हूँ, दो आदमियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा आदमी कोर्ट में भी नजर के ऐसा कानून बनाने की जरूरत क्या थी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लीडर्स का इतना विरोध हो रहा है कि वो गांव के बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के मुख्यमंत्री तक गांव के चौपालों में नहीं पहुंच पा रहे। आज पूरे हरियाणा के अंदर चावल जीरी सड़कों पे पड़ी है, बीजेपी सरकार नहीं खरीद पा रही है। दो दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पानीपत में आए थे, उन्होंने किसानों से कहा जीरी का भाव नहीं मिल रहा है, आप एक काम करो चावल निकाल के घरों में रख लो, जब महंगा वक्त आएगा तब बेच देना। तो हाउ इट इज पॉसिबल, एक किसान पूरे साल खेत में मेहनत करता है कि मेरी फसल बिकेगी, मेरे घर के खर्चे होंगे, बच्चे की शादी की बात होगी, बच्चे की पढ़ाई की बात होगी, बीमारी के इलाज की बात होगी। आज सुबह के मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं नहीं साहब चावल निकाल के रख लो, अभी तो हम नहीं खरीद पा रहे। दिस इज वेरी शेमफुल स्टेटमेंट। देश के अन्नदाता की बात हो रही है, आप लोगों ने संसद में भी इसका विरोध किया राज्यसभा के अंदर, और संसद से तस्वीरें आई, आप लोग वहीं पर चादर बिछाकर सो गए रात भर आपने, या फिर उपसभापति आए आपको चाय पिलाई, ये एक अलग सवाल है, इसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरा ये, क्योंकि आप हरियाणा, आपको जिम्मेदारी है तो हरियाणा के जब आप किसानों से मिलने हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है और क्या कह रहे हैं वो आपसे? देखिए किसान पूरी तरीके से परेशान है ना, उसके खेती के तरीकों को ये सरकार सुधार पाई, इसी आय डबल करने की बात कर रहे थे, आय आधी कर दी है, आज उसका चावल बिक नहीं पा रहा है, आज बाजरा 800 किलो से ऊपर सरकार खरीदती नहीं है, एक एकड़ में 1,500 से 2,000 किलो तक बाजरा पैदा होता है। आज मक्की की मूंग की MSP के बीजेपी के सांसद खुद बोलते हैं कि इसके MSP हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रधानमंत्री के ऑफिस से, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से ये बयान आए कि MSP मिलेगी और आज ही नहीं मिल रही, इस इतने झगड़े के बीच के अंदर नहीं मिल रही, तो बाद में MSP मिलने का रास्ता जो बंद हो रहा है उसको देखते हुए किसान सड़कों पर है और हम उनके दर्द के अंदर शामिल हैं, हम उनकी लड़ाई के अंदर शामिल हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था चल रही थी, कम से कम 50-60% फसल का MSP मिल पा रही थी। आप देखिए बिहार में मंडी सिस्टम नहीं है, बिहार का 10 एकड़ का किसान यूपी का किसान दिल्ली और पंजाब में आके हरियाणा में आके मजदूरी करता है, क्यों करता है? जमीन तो उसकी अच्छी है, वहां का पानी भी अच्छा है, फर्टाइल भी लैंड है, परंतु उसको कीमत नहीं मिलती अपनी फसल की। हरियाणा में 1,800 रुपए क्विंटल चावल बिकता है और बिहार के अंदर 1,300 रुपए क्विंटल बिकता है, तो जो 500 रुपए क्विंटल का जो फर्क है वो उसको मजदूरी करने के लिए मजबूर कर रहा है कि वो क्योंकि मंडी स्थिति होने से ना होने से उनको MSP नहीं मिल पा रही। और यही काम केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार हरियाणा में भी करना चाह रही है। हाँ सुशील गुप्ता जी, क्योंकि आपका भी ताल्लुक दिल्ली से है, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में ही हम रहते हैं, दिल्ली के लोग इस समय काफी परेशान है जहरीली हवा को लेकर, हर साल यही समय आता है, प्रदूषण फैलता है, पराली जलाई जाती है, सबको पता है इसी समय, सरकार ने क्यों नहीं कदम रहते हुए समय से पहले कदम क्यों नहीं उठाया, क्योंकि सरकार आपकी है। देखिए दिल्ली सरकार तो अपनी तरफ से पूरे कदम उठा रही है, दिल्ली में डीजल का जनरेटर बैन है, हरियाणा सरकार ने NGT के ऑर्डर के बाद भी डीजल जनरेटर बैन नहीं किया। दिल्ली के अंदर 99.5% इंडस्ट्री PNG पे कन्वर्ट हो चुके हैं, डीजल जलना वहां पे बंद हो चुका है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अंदर इसका अभी पूरा अभाव है, यूपी के अंदर पूरा अभाव है,
अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर 100% कमर्शियल वाहन सीएनजी पे कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसी जो स्थिति है दिल्ली में, पराली ना किसान जलाएं, पूसा के अंदर घोल बना के मुख्यमंत्री जी ने खुद फ्री में लोगों के खेतों के अंदर डाला ताकि पराली खाद के रूप में, परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के चारों तरफ के प्रदेश हैं, ये किसानों को कोई उन्नत टेक्निक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। एक किसान गरीब है, वो मजबूरी के अंदर पराली जलाता, जलाना नहीं चाहता, सबसे पहले उसके फेफड़े भी खराब होते हैं, परंतु जब तक ये सरकारें, राज्य सरकारें उसको कोई अल्टरनेटिव मोड प्रदान नहीं करेंगी, क्योंकि पहले ही वो हिंदुस्तान का किसान आजादी के 70 साल के बाद भी 74वां साल आजादी का लग गया, सबसे गरीब अवस्था के अंदर हिंदुस्तान का किसान रहता है, उसको ये फसल की दोगुना कीमत की बात करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इनको आज की तारीख के अंदर डीसी रेट की मजदूरी नहीं मिलती, मिनिमम वेजेस। अगर पूरा परिवार जो पूरे साल खेत के अंदर काम करता है, मैं जमीन को, बीज को, फसल को, पानी को अलग छोड़ दूं, तो इनकी मजदूरी नहीं मिल पाती पूरी। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब ये सरकारें चाहेंगे कि किसान ही इसका कोई कटाई करे और अलग से मेहनत करे, तो वो किसान के लिए भी असंभव सी बात है, इसलिए किसान जलाता है। अगर राज्य सरकारें उसकी पराली को बिकवाने का प्रबंध कर दें, उसकी पराली को खाद बनाने का प्रबंध कर दें, उसके ऊपर और ना लगे, तो दिल्ली के भी लंग्स खराब नहीं होंगे और उन किसानों के लंग्स भी खराब नहीं होंगे। परंतु बार बार जी आपने बात कही कि राज्य सरकारें जो आस पड़ोस की हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन दिल्ली की जनता ने जब वोट दिया था अरविंद केजरीवाल को, एक बहुत बड़ी संख्या में आपके विधायक जीत के आए, जनता तो नहीं जानती, जनता को तो सीधा दिखता है कि जो भी यहाँ का हीरो है या नायक है या खलनायक है वो अरविंद केजरीवाल ही है, उम्मीदें आपकी सरकार से हैं, जनता को मतलब नहीं है कि वो राज्य इसे करे या उसे करे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, और एक कारण ये भी है कि इसलिए संसद के अंदर जब पर्यावरण मंत्री से जवाब मांगा गया कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति क्या है, तो राइटिंग में जवाब आया, क्योंकि तो मैं कॉपी आपको भेज दूंगा, जावड़ेकर साहब ने उस समय ये बोला था कि दिल्ली के जो स्वच्छ हवा के दिन है वो पहले से बड़े हैं, दिन अच्छे हुए हैं, परंतु जो पराली जलने का समय आता है, जब फसल के अवशेष जलाने का समय आता है, वो ये यही समय है, हर साल इसी समय पे ये पराली का जो धुआं है, जलने का जो धुआं है, ये पूरे आसमान में फैलता है और इससे दिल्ली और एनसीआर की सारी हवा खराब होती है। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार के सामने बार बार बात रखी, अरविंद केजरीवाल जी ने फसल जलने के समय से पहले, पराली जलने के समय से पहले ये चेताया केंद्र सरकार को कि हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये इस बात पे ध्यान दे कि वहां के किसानों को मदद करें ताकि वो किसान पराली को ना जलाए, परंतु आज भी स्थिति वही है। पिछले साल एनजीटी ने हरियाणा में डीजल जनरेटर बंद करने की बात की थी, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ समय दे दिया जाए, एक साल बाद फिर वो समय आया, अब फिर उन्होंने वही रिक्वेस्ट भेज दी, तो वो अपने हाथ पे हाथ रखे बैठे, प्रदूषण कम कर जाए इस तरफ खट्टर साहब का कोई दिमाग है नहीं। सुशील जी, क्योंकि दिल्ली से ही आप और हम रहते भी हैं, तो अब कैसे इसका समाधान निकल जाए कि लोग जो हैं, ये जो दूषित हवा है, फेफड़े खराब हो रहे हैं लोगों की, आंखों में शिकायतें हैं, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, और दूसरा ये जो बीजेपी में एमसीडी है वो कहती है कि केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया प्रदूषण को लेकर, जिससे दिल्ली की आज दिन बहुत खराब स्थिति है, ये बीजेपी का आरोप है आपकी सरकार पर। बीजेपी का आरोप मैं समझता हूँ कि खुद के ऊपर का आरोप है, ये बीजेपी की शासित जो एमसीडी है अभी भी कूड़ा जला रही थी, उनके ऊपर जुर्माना हुआ, एनजीटी ने उनके ऊपर जुर्माना किया, दिल्ली सरकार ने उनके ऊपर जुर्माना किया, अपनी ड्यूटी निभाते नहीं। आप एमसीडी की बात करें, ये अपने अस्पताल के डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं देते, इनको जो बजट मिल जाता है दूसरे मुद्दों में खा जाते हैं, हर मकान के बनाने पे रिश्वत लेते हैं, इनका सड़कों की सफाई नहीं रख पाते हैं, प्रदूषण पे,
मैं प्रदूषण पे बता रहा हूँ कि जो कूड़ा सफाई नहीं होता उससे प्रदूषण फैलता है, कूड़ा जलाते हैं तो उस पर प्रदूषण फैलता है। तो प्रदूषण पे एमसीडी अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हुई है। ये दिल्ली सरकार पे भांडा फोड़ने की जरूरत नहीं है इनको, इनको चाहिए था कि अपने डस्ट फ्री सड़कों को करे, जिस प्रकार दिल्ली सरकार छिड़काव करती है अपने क्षेत्र के अंदर, जल का छिड़काव कराएं इस दौरान, और ये जो जलाने की कार्रवाई को तुरंत से बंद करें। सुशील जी, मेरे जाते हुए एक दो सवाल हैं। प्रदूषण इसलिए भी फैल रहा है कि आपकी सरकार में जो कमी रही है वो मैं आपको गिनवा दूं कि जो जो बैटरी रिक्शा है पुराने पुराने उनको अभी भी उपयोग हो रहा है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, और जो दिल्ली के आसपास निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें पूरी तरह छींटा नहीं पड़ता, जो वाटर से करना चाहिए वो सिर्फ पास पास से कर देते हैं। तो बैटरी रिक्शा जो चल रहे हैं, जो पुरानी गाड़ियों को इस्तेमाल करके बाइकों पे, उससे भी एक प्रदूषण फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं सख्ताई बरतने की जरूरत है सरकार को। देखिए, दिल्ली सरकार पूरी चौकन्नी है, दिल्ली सरकार हर कंस्ट्रक्शन के ऊपर इन्होंने जो अब प्रदूषण नियंत्रण का सिस्टम बनाया हुआ है पूरा, उसको जो डस्ट है जितना रूड़ी बदरपुर है उसको ढक के रखना पड़ता है, और उसके ऊपर पानी का छिड़काव प्रतिदिन करना पड़ता है। दिल्ली सरकार की निगरानी टीम हर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जा रही है और इंश्योर कर रही है कि वहां से कोई धुआं और रीता ना उड़े। जहां तक व्हीकल्स की बात है, 15 वर्ष से पुराना व्हीकल किसी भी टाइप का हो, चाहे वो सीएनजी का व्हीकल हो या इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, दिल्ली के अंदर चलना उस पर मनाही है। 10 वर्ष से ऊपर का डीजल का व्हीकल चलने पे यहाँ पे मनाही है। तो उन सब की चेकिंग बार बार की जा रही है, एनजीटी के आदेशों का पूरा पालन किया जा रहा है, और हमारा जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है वो पूरा सजग है और लगा हुआ है। सुशील जी, हरियाणा की जिम्मेदारी मिली है, फिर एक बार हरियाणा से अपनी बातचीत को खत्म करेंगे। बहुत बड़ा गढ़ है हरियाणा, बीजेपी अभी सत्ता में है, उसके अलावा क्षेत्रीय दल हो गए, चौटाला जी हो गए, और कई तरह के मजबूत दल, कैसे भेद पाएंगे और कैसे वहां पर अपनी पिच तैयार करेंगे, और क्या उम्मीदें हैं आपको हरियाणा से? हरियाणा में 4 साल के बाद चुनाव है, दिल्ली मॉडल वहां पे जाएगा, उससे पहले हम पंजाब जीत रहे हैं और हरियाणा में सरकार बनाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर बहुमत से सरकार बनी है, हरियाणा का हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला हो जाए, हरियाणा का हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चों को दिल्ली में रोजगार मिल जाए। हरियाणा के अंदर 10-10 घंटे लाइट का कट लगता है, चाहते कि दिल्ली जैसी बिजली व्यवस्था हो जाए, 200 यूनिट हर घर को फ्री मिले। हरियाणा के अंदर पानी गांव गांव तक नहीं है, हरियाणा का हर व्यक्ति चाहता है कि दिल्ली की तरह हरियाणा के अंदर भी 24 घंटे पानी आए। तो ऐसे सारे मुद्दे में गिनाऊंगा तो सवेरे से शाम हो जाएगी, मैं पूरा दिन हरियाणा के अंदर घूमता हूँ। हर व्यक्ति केजरीवाल की तारीफ करता है, मुझे आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो केजरीवाल से नफरत करता हो, केजरीवाल के विरोध के अंदर हो, और सब ये चाहते कि दिल्ली मॉडल हरियाणा के अंदर आना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जब संगठन को और तेजी से मजबूत हम कर रहे हैं, उसको करने के बाद में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बनेगी। क्या चैलेंज कुछ सामने आ रहे हैं आपके, क्योंकि आप लगातार वहां घूम रहे हैं? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है, बीजेपी से और जेजेपी के जो गठबंधन की सरकार है उससे हरियाणा का आम जनमानस नफरत कर रहा है। कांग्रेस को सीरियसली हरियाणा के अंदर नहीं लिया जा रहा, क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसी के ऊपर सवालिया निशान कांग्रेस खुद लगाती है कि कहीं ये बीजेपी से मिले हुए तो नहीं है, कहीं ऐसी बातें तो नहीं है। राहुल गांधी के मुंह से ये शब्द निकले हुए, मैं अपनी तरफ से इन बातों को नहीं कर रहा हूँ। जब 27 लोगों ने आत्मनिरीक्षण के लिए चिट्ठी लिख के दी कि कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है, तब हरियाणा के शीर्ष नेतृत्व को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी से लोग मिले हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस की लड़ाई परिवार के अंदर, इनके कांग्रेस के परिवार के अंदर बहुत बढ़ चुकी है, और कांग्रेस के विधायक ज्यादातर अनेकों राज्यों में या तो जीतते नहीं है और जीतते तो बिक जाते हैं। मध्य प्रदेश का आपने हालत देखी, राजस्थान के अंदर ऐसी हालत हो गई थी कि महीनों महीनों इनको अपने विधायक छुपा के रखने पड़े। तो ऐसी स्थिति के अंदर देश के लोग अल्टरनेटिव के रूप के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को सोचते हैं। चलिए सुशील गुप्ता जी, आपने बहुत
विस्तार से हमें हर सवाल का जवाब दिया। आपने बताया हरियाणा में क्या रणनीति आपकी रहेगी, क्योंकि चुनाव अभी दूर है लेकिन सभी चुनाव आप लड़ेंगे, ये आपने जिक्र किया, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो पार्षद का हो, या विधायक का हो, या लोकसभा का हो। साथ ही साथ आपने दिल्ली में जो गंभीर मुद्दा चल रहा है प्रदूषण का, उस पर भी विस्तार से बातचीत रखी और बताया कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील गुप्ता जी, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए। जी नमस्कार, थैंक यू।